वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली रियली गुड। सो फ्रेंड्स, ऑनसेट ऑफ वीकेंड स्टार्ट हो चुका है एंड मंडे को फ्रेंड्स 7th ऑफ सितंबर को लेबर डे है, विच इज़ अ लॉन्ग वीकेंड। तो आज हमने डिसाइड किया कि क्यों ना इस लॉन्ग वीकेंड का ज्ञान यूज़ किया जाए एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स ड्रम हेलर, जहाँ पे रॉयल टायरल म्यूजियम है एंड इट्स एक्चुअली अ पैलेंटोलॉजिकल म्यूजियम एंड वहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स वगैरह हैं डायनासोर्स के एंड वो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी इंफॉर्मेटिव जगह है। आई होप आप इन्जॉय करेंगे हमारे साथ रॉयल टायरल म्यूजियम एंड देन आफ्टर दैट वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द हुडूस ऑफ ड्रम हेलर। दैट्स ऑल्सो अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस एंड उस जगह पे जहाँ पे मैं आज आपको ले जाऊँगी ड्रम हेलर हुडोस में, वहाँ पे वो जो गाना आया था कोई मिल गया फिल्म में जादू सॉन्ग, वहीं पे शूट हुआ है उन्हीं हुडोस के बीच में। तो आई होप यू वुड एंजॉय द जर्नी विद मी एंड स्टे ट्यून्ड रहिए ब्लॉग में, पूरे ब्लॉग में एंड एंजॉय कीजिए आज का ट्रिप हमारे साथ, क्योंकि मोस्ट समर ख़त्म होने वाला है एंड सो वी डिसाइडेड कि इस लॉन्ग वीकेंड को क्यों ना कुछ यूज़ किया जाए और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वाली जगह जाया जाए। आई होप यू वुड एंजॉय द जर्नी विद अस एंड स्टे ट्यून्ड रहिए। चलिए चलते हैं ड्रम हेलर। सो फ्रेंड्स, जो ड्रम हेलर है हमारे घर एडमिंटन से अराउंड 270 किलोमीटर्स है एंड ये अराउंड 2 hours 45 minutes की ड्राइव है एडमिंटन से, जहाँ पे हमारा घर लोकेटेड है एंड काफ़ी अच्छी ड्राइव है, प्लेजेंट व्यूज़ हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं जैसा कि वीडियो में भी कितने अच्छे तरीके से ये फार्मिंग एरिया है जो आप देख सकते हैं एंड रोड बिल्कुल क्लियर है। फ्रेंड्स, लेट मी गिव यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस प्लेस ड्रम हेलर विच वी विल बी विजिटिंग टूडे। सो फ्रेंड्स, ड्रम हेलर एक टाउन है रेड डियर वैली में, जो कि प्रेजेंट है बैडलैंड्स ऑफ ईस्ट सेंट्रल अल्बर्टा कैनेडा के अंदर। ड्रम हेलर ऑफ रेड वैली को डायनासोर वैली के नाम से भी रेफर किया जाता है। फ्रेंड्स, आप लोग वंडर कर रहे होंगे कि वॉट आर बैडलैंड्स। सो फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, बैडलैंड्स एक ड्राई टेरेन है, जिसका मतलब होता है सूखा इलाका, जहाँ पर वी कैन फाइंड सॉफ्ट रॉक्स एंड क्लियर इट्स सॉइल्स, जो कि बहुत ही सालों से नेचुरली इरोड होता जा रहा है बाय विंड एंड वाटर एंड जनरली टेम्परेचर इस जगह का लिटरली हाई होता है एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। तो फ्रेंड्स देखिए, कनाडा के खेत खलियान कनाडा के कैसे हो रहे हैं इस वक्त पे, आप देखिए। फ्रेंड्स, नाउ वी आर फाइनली एंटरिंग इनटू डायनासोर वैली विच इज ऑल्सो नोन एज रेड डियर वैली ऑफ ड्रम हेलर। कितना ब्यूटीफुल एरिया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ये इलाका कर्वी इसमें रोड्स बने हुए हैं, आप देख सकते हैं एंड पहाड़ों के बीचों बीच हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं इस वक्त पे। एंड ये जो आप विंडशील्ड पे देख सकते हैं, ये सारे मच्छर हैं फ्रेंड्स, जो भी इंसेक्ट्स रोड पे हमें ड्राइविंग के टाइम पे मिले थे, तो वो सारे के सारे विंडशील्ड पे टकरे खा रहे थे, आप देख सकते हैं। तो उनके सारे स्पॉट्स बने हुए हैं विंडशील्ड पे, देखिए। जैसा मैंने आपको बताया था कि सारे जो रॉक्स होते हैं नेचुरली इरोडेड होते हैं, क्योंकि बहुत हिस्टोरिकल साइट है फ्रेंड्स ये, और यहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स मिले थे डायनासोर्स के। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आप लेयर्स देख रहे हैं ना इनके पहाड़ों पे, ये डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स की लेयर्स हैं एंड बेसिकली इन सॉइल्स का दूसरा जो कंसिडर किया जाता है वो होते हैं क्लेरिट सॉइल्स के नाम से, ये सॉइल मशहूर है यहाँ का। तो यू हैव जस्ट ऑलमोस्ट रीच्ड ओवर देयर, ये पूरा ही डायनासोर वैली है, तो यहाँ पर डायनासोर के काफ़ी सारे स्टैचूज वगैरह आप देख सकते हैं रोड्स पे, ब्यूटीफुल प्लेस है। मेरी वीडियो के बाद आप ज़रूर ज़रूर देखिएगा वो गाना जो मैंने अभी आपको बताया है, जादू सॉन्ग कोई मिल गया का, फॉर श्योर आप बिल्कुल कनेक्ट कर पाएंगे।
सो फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा सा क्लाइंब करने वाले हैं इस छोटी सी माउंटेन पे, एंड वहाँ से मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, आप वो व्यू बहुत इन्जॉय करेंगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे जादू गाने की शूटिंग हुई थी, कोई मिल गया मूवी का। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से ये सैंड ड्यून्स के पहाड़ हैं जो बैकग्राउंड व्यू में। म्यूजियम में इस वक्त एंट्री अलाउ नहीं कर रखी है, सो वी वॉन्ट बी एबल टू एंटर इन टू द म्यूज़ियम। यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स हैं डायनासोर के, अदरवाइज आप देख सकते हैं ट्रेल्स बनी हुई हैं यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ की ज़मीन कितनी ड्राई लैंड है, आप देख सकते हैं, तभी इसको बैड लैंड्स बोला जाता है, कितना ज़्यादा। और यहाँ पे उस बोर्ड पे मैंने जैसा आपको दिखाया कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे कैक्टस वगैरह के प्लांट्स वगैरह बहुत मिलेंगे। देख सकते हैं ये किस तरीके का मटीरियल है, कैसे पत्थर हैं। सो ब्यूटीफुल ट्रेल्स बनी हुई हैं यहाँ पे अलग अलग। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा ये जगह। ये बिल्कुल ही अलग तरीके के पहाड़ हैं, और अच्छे से जो सॉइल है डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स भी दिख रहा है इन हिल्स पे। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया कि रॉयल टायरल म्यूज़ियम में अभी एंट्री अलाउ नहीं कर रखी है जनरल पीपल की, तो उसके लिए सिर्फ एडवांस बुकिंग से ही आप अंदर एंटर कर सकते हैं। बट हमने एडवांस बुकिंग नहीं करा रखी थी म्यूज़ियम की, तो हम अंदर नहीं जा सके। तो उसकी जगह पे हमें एक ये फॉसिल वर्ल्ड करके एक सोवेनर सेंटर मिला, एंड उस स्टोर पे हमने एक्सप्लोर किया, देख सकते हैं आप वहाँ के फॉसिल्स वगैरह, तो ये काफ़ी वर्थ रहा। इंस्टेड ऑफ टायरल म्यूज़ियम हम वहाँ नहीं जा सके, बट ये स्टोर बहुत ही अच्छा था, और यहाँ पे काफ़ी अच्छे से फॉसिल्स वगैरह एंड स्टोन्स वगैरह जो उस समय पे मिले होंगे वो सारे के सारे प्रिजर्व करके रखे हैं। इवन वो लोग कुछ कुछ चीज़ें सेल भी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। फाइनली वी हैव रीच्ड कुडूज ऑफ ड्रम हेलर। यहाँ पे शूटिंग हुई थी कोई मिल गया के सॉन्ग की, जादू सॉन्ग की। आई होप आप इंजॉय करेंगे व्यू, कितना ब्यूटीफुल है, लेट मी शो यू।
एज यू कैन सी इट्स वेरी हार्ड टू वॉक ऑन दिस ड्राई टेरेन. काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी एरिया है फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा रॉकी है एंड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था इस पर वॉक करना. अब हम लोग स्टॉप लिया है, घर पहुंचने वाले हैं बस थोड़ी देर में. एंड आप ये देख सकते हैं फार्म कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे. अगर आप वो गाने को अगर आप ध्यान से देखेंगे, जादू सॉन्ग को कोई मिल गया का जो मैंने अभी आपको ड्रम हेलर दिखाया, तो उसमें आप ये वाला भी एरिया नोटिस करेंगे. आप देख सकते हैं ये वाला फार्म, आपको बहुत अच्छा लगेगा. उस वीडियो को ज़रूर चेक करिएगा और मेरी इस वीडियो के साथ ज़रूर कनेक्ट करिएगा, तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि यही है. देखिए किस तरीके से यहाँ पे भी फार्मिंग के टाइम पे ये बंडल्स बना रखे हैं एंड उस सॉन्ग में भी आप देख पाएंगे. आई होप आपने ये व्लॉग लिटरली इंजॉय करा होगा मेरे साथ. हिट कीजिएगा लाइक बटन एंड शेयर कीजिए मेरे चैनल को एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा ड्रम हेलर का. अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट कीजिए लाइक बटन को, शेयर कीजिए मेरे चैनल को एंड सब्सक्राइब कीजिए. और फ्रेंड्स अनदर थिंग इज़ दैट आई विल बी शेयरिंग माई किचन टूर वीडियो सून. मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में. जल्दी टेक केयर, सी यू, गुड बाय.